अभी हम पलोड़ा में हैं और पलोड़ा में जिस तरह से एक कहावत है ना, कहते हैं गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आगे। ये आप टाइलें देखेंगे, काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी डिमांड्स करने के बाद जो हैं ये टाइलें जो हैं ये गलियों में पड़ी हैं यहाँ पे। और पीएचई विभाग जो है यहाँ पे ये नाली निकाल रहा है, पाइप निकालने के लिए ये पूरी टाइलें जो हैं उखाड़ के, ये देखेंगे आप, ये मशीन भी यहाँ पर लाई गई है, और ये पूरी टाइलें यहाँ से उखाड़ी जा रही हैं। पूरा मलबा यहाँ पे जो है बाहर कर दिया गया है और ये लेबर आप देखेंगे लगी है। और यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जब इसका एतराज़ जताया गया, अब इसको फिर से बंद कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ तालमेल ना होने के कारण, अगर जो काम ये आज कर रहे हैं वही काम पहले कर देते, पीएचई का काम वो पहले कर देते उसके बाद टाइलें पड़ जाती, तो आज ये टाइलें जो हैं ये ख़राब नहीं होती और लोगों का, आम जनता का जो टैक्सपेयर्स का पैसा होता है वो इस तरह से बर्बाद ना होता। आप देखेंगे कितनी नालायकी का काम जो है ये, अब ये इसको फिर से भरने का जो यहाँ पे आदेश दे दिया गया कि इसको आप फिर से वापस कर दीजिए। और ये जो टाइलें हैं ये उखाड़ के यहाँ से बाज़ाब्ता मशीन लाई गई है, मशीन के द्वारा जो है ये टाइलें यहाँ पे उखाड़ी जा रही थी और यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है ये काम फ़िलहाल बंद करवा दिया है। तो यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस सीनियर नेता होशियार सिंह जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले इस मोहल्ले का नाम क्या है? देखिए, ये मोहल्ला मस्जिद है और वार्ड नंबर 60 जी। और बाकायदा इस मोहल्ले जो हमारा मोहल्ला मस्जिद है, इसकी एक वेलफेयर सोसाइटी है बनी हुई है और मैं इसका चेयरमैन हूँ जी। काफ़ी 2-3 साल पहले हमने काफ़ी मशक्कत की इसके लिए, टाइलें पड़ जाएँ, टाइलें डलवाने के लिए। जीएमसी कमिश्नर के पास जितने भी, चाहे वो पंकज मंगोत्रा जी थे कमिश्नर, या अभी अमन लवासा जी हैं, या उससे पहले जो कमिश्नर थे, काफ़ी 3-4 साल हम इस चीज़ के पीछे पड़े। फिर उसके बाद जाके यहाँ पे काम लगा और यहाँ पे बेसिकली जो कंसर्न डबा, जो जहाँ पे कंसर्न कॉपरेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ये देखना, लेकिन हमने काफ़ी कोशिश की। फिर उसके बाद ये, उसके बाद हमने यहाँ पर टाइलिंग वगैरह डलवाई, लेकिन आज हमने देखा जाके तो अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे पीएचई वाले पाइप निकाल रहे हैं। पाइपें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलरेडी पहले की डली हुई हैं और जहाँ तक हमने सुने में है ये किसी एक स्पेशल बंदे के लिए पाइप यहाँ से जा रही थी। कुछ स्पेशल बंदा है, कुछ स्पेशल पर्सन है कोई। अब ये पीएचई वाले बताएंगे कि वो स्पेशल पर्सन कौन है जिसके लिए इतना नुकसान करके, और जिस स्पेशल पर्सन के लिए ये पाइप जा रही है उसके पास ऑलरेडी 2-3 दिन की स्पेशल कनेक्शन है, पूरा दिन पानी आता रहता है। अब इस पाइप में ऐसा कौन सी पानी निकलेगा या कैसा कौन सा पानी आता है इसमें, ये वही बताएंगे और जहाँ पीएचई बताएंगे कि कैसा। लेकिन अभी इन्होंने ये ऑलमोस्ट देखो, जब आप टाइल निकालते तोड़ते हो ना, अगर ये टाइल एक दो बार निकल जाए तो फिर ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे सारी टाइल निकलना शुरू हो जाती है, जब तक इनका जो देख रख रखा ठीक नहीं करोगे आप। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जब कोई पीएचई में या कंसर्न डिपार्टमेंट कहीं पे काम लगाते हैं, उसको जो जिन डिपार्टमेंट ने ये काम लगाया उससे कम से पूछना पड़ता है, जहाँ हमारी वेलफेयर मोहल्ला की सोसाइटी कम से हमसे भी डिसीजन करते भैया, क्योंकि उनको सबको पता है कि इस चीज़ के लिए हमने काफ़ी भागदौड़ की है, यहाँ पे टाइलिंग डालने डलवाने के लिए, जहाँ ग्रिलिंग डालने, जहाँ और भी हम मोहल्ले के जो काम होते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए पूछा नहीं गया और एकदम से काम शुरू कर दिया गया। और अब कंसर्न इंस्पेक्टर आए थे, हमने उनको बोला जो आपके हाई अफसर, आप उनको बताइए, उनको बुलाइए और हमें बताइए कि आपने कंसर्न डिपार्टमेंट जो जीएमसी है या उनसे कोई एनओसी ली है, जब हमसे बात करते, क्योंकि हम लोगों ने चक्कर लगा के इसको काम शुरू करवाया था उस समय वहाँ पे, जहाँ पर ना कोई कारपेंटर है, किसी पूछा था काम लगवाने के लिए, और हमें पता है कि हमने किस तरह से काम कराया। अब वो कौन सा स्पेशल आदमी है जिसके लिए ये पाइप डलवा के स्पेशल पानी जा रहा है, स्पेशल पाइप डाली जा रही है, अब ये कंसर्न पीएचई बता सकते हैं। लेकिन इस तरह से ठीक नहीं होता है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट का आपस में तालमेल रहना चाहिए और जो वेलफेयर सोसाइटी होती है कम से कम उनसे रब्ता रखना चाहिए। अगर कोई काम लगता है जहाँ वो लोग मोहल्ले की देखभाल करते हैं, मोहल्ले में जो प्रॉब्लम आती है उसको देखते हैं, तो इस चीज़ का भी जो अगर किसी ने कोई इस तरह से काम करना तो कम से पूछना चाहिए। तो अब जो है इसको फिर से जो है इसकी भराई जो है आप देखेंगे साफ तौर पर, यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ये टाइलें जो है अपनी जगह पे लगें, लेकिन जब एक बार उखड़ चुकी हैं वो फिर से उसी जगह पे उसी स्थान पे लगना मुश्किल है। और ये पीएचई डिपार्टमेंट और जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जेएमसी हैं, कोई भी है, आपसी तालमेल की कमी के कारण जो है दिक्कतें जो हैं आम जनता को आती हैं। और एक बार जो है इस गली में जो टाइलें बिछी, लाखों रुपया जो है इन पे खर्चा आया होगा, और फिर से इसको बार बार इस तरह से जब उखाड़ेंगे अपना काम ठीक कर देंगे, बाद में वो जो टाइलें हैं वो फिर से वैसी की वैसी रह जाएंगी, और कहीं ना कहीं नुकसान जो है आम जनता का ही होगा इसमें, क्योंकि टैक्स पेयर्स का ही पैसा जो है वो वेस्ट जाता है। डिपार्टमेंट्स का जो है इसमें सोचना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को आपसी तालमेल बनाना चाहिए कि अगर कहीं पे लुक डालनी है, लुक डालने से पहले वहाँ पे जो है पानी के कनेक्शन या उस तरह की चीज़ें जो भी वहाँ से नाली नाला जो भी बनाना है वो चीज़ें पहले कर दी जाएं, ताकि
जहाँ पे टाइलें बिछी हैं, अगर यहाँ पे टाइलें बिछनी थी तो पीएचई डिपार्टमेंट को उससे पहले ही यहाँ पे पाइपें वगैरह बिछा देनी चाहिए थी। लेकिन ये जो दोहरे जो काम करने का तरीका जो है, ये कहीं ना कहीं इसका बोझ जो है, इसका असर जो है सरकारों पे तो पड़ता ही पड़ता है, आम जनता पे भी इसका असर पड़ता है, महंगाई पे भी इसका असर पड़ता है। इसलिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सरकारों को भी चाहिए कि काम काज जितने भी होते हैं उसका ध्यान रखा जाए, और ताकि आम लोगों को जो है असुविधा ना हो। आम जनता की सुविधा के लिए डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, और डिपार्टमेंट्स ही अगर इस तरह के काम करेगी जिससे आम लोगों को असुविधा होगी, फिर कैसे चलेगा। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया, मैं फाजल मडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।